हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। चलिए आज बनाते हैं हम चौराई के कोफ्ते, या फिर छकौड़े भी बोल सकते हैं आप इसको। चलिए भी तैयारी करते हैं। हमने चौराई ले लिया, 2 से 3 बार अच्छी तरीके से धो लिया है और कट लगा लिया। देखिए कट हो गया है। फिर प्याज टमाटर को भी कटिंग कर लिया है, लहसुन हरी मिर्च। इधर हमने बेसन ले लिया, बेसन में हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे और चौराई डाल देना है। चौराई डाल के अच्छी तरीके से सभी को मिला लेना है। मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे। सभी को मिलाने के बाद थोड़ा देर ढक कर रख देंगे। थोड़ी देर बाद नमक भी डाल देंगे इस पर। नमक डाल के इसको रख देना है। फिर इधर तेल ले लिया, तेल में हमने, तेल गर्म हो गया है खड़ा, कुछ गर्म खड़े मसाले, जीरा हींग डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिलाकर हरी मिर्च लहसुन डाल देंगे, प्याज डाल देंगे और टमाटर डाल के कड़ी पत्ता डाल देंगे, नमक डाल देंगे, सभी को चलाएँगे। फिर हम इसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर डाल के थोड़ा देर फ्राई करेंगे। थोड़ी देर बाद हमारी फ्राई हो चुकी है, हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तेल गर्म है, तेल में हम छकौड़े को डालना चालू करेंगे इस तरीके से। देखिए सभी छकौड़े बन के तैयार हो गए हैं। इधर उसी तेल में हम जीरा पाउडर और तेज़पत्ता, हल्दी, सॉरी, हींग डाल देंगे। डालने के बाद मसाले को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। मसाला डाल के उबला हुआ पानी डाल देंगे। मसाला हमारा उबलने लगा है तो हम इसमें नमक डाल देंगे और छकौड़ा डाल देंगे, धनिया पत्ता डाल देंगे। देखिए छकौड़ा बनके हमारा तैयार हो गया है। इन्जॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।